बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं रशियन सैलड। जी हाँ, वही रशियन सैलड जो हम ज़्यादातर शादियों में खाते हैं। ये आजकल शादियों में बहुत बनती है, खा के हम सोचते हैं ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या डलता है। ये आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है। उसके लिए हमें बहुत थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने एक ऑल पर क्रीम का पैक लिया, वो डाला है। इसमें हमने चीनी पीस कर डाल ली, ये आपके सामने है। आपके पास आइसिंग शुगर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, 2 से 3 टेबलस्पून हमने चीनी पीस ली है। ये हमने क्रीम में मिक्स कर दी है। अब हम इसमें तकरीबन थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे। आप ये दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकती हैं, ये ज़्यादा मीठी मीठी ना हो जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा चाट मसाले और काली मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच दिया है, बस बिल्कुल हल्का सा। ये आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकती हैं। इसमें हम एक पैक मायोनीज़ ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे पास मायोनीज़ है, वो हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने मैक्रोनी और चिकन को ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। चिकन हम इसमें डाल रहे हैं जो हम शादियों में खाते हैं रशियन सैलड, उसमें चिकन नहीं डाला होता, मगर हम इसमें चिकन डालेंगे क्योंकि इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम इसमें जो जो फल डालना चाहे डाल सकते हैं। ये हमारे पास सेब थे, सेब हमने डाले हैं छोटे छोटे पीस करके। ये हमने चिकन बॉईल कर लिया था, नमक और काली मिर्चें डाल के छोटे छोटे पीस करे थे। और ये एक पैक हमारे पास मैक्रोनी है, इसको हमने बॉईल कर लिया था, नमक और ऑयल डालकर हमने इसको 70% बॉईल किया, फुल बॉईल नहीं किया। बाद में ये तकरीबन खुद ब खुद ही नरम हो जाती है। अब ये हमारी रशियन सैलड बिल्कुल रेडी है। आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है इसलिए हम इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट बल्कि हम डालेंगे ही नहीं, हमें नहीं पसंद। सर्दियों में आप इसमें जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें हम मटर भी बॉयल करके डाल सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना टेस्ट है, अपने अपने हिसाब से सब इसमें जो दिल करता है ऐड करेंगे। मगर हमारे पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल थी, उसी से हमने रशियन सैलड बना ली है, आपके सामने है। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करना है तो ना करें। अल्लाह हाफिज़।